Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका testbook.com में। COVID-19 कोरोना वायरस और लॉकडाउन, पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू होता है हमारे देश में, उसके बाद सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन होता है, फिर 19 दिन का लॉकडाउन होता है, उसके बाद 14 दिन का लॉकडाउन होता है। इस तरह से 31 मई 2020 तक हमारे देश में लॉकडाउन रहता है। उसके बाद 1 जून से अनलॉकिंग का दौर शुरू होता है। 1 जून को अनलॉक 1 शुरू होता है, फिर 1 जुलाई से अनलॉक 2 और 1 अगस्त से आपका शुरू होता है अनलॉक फेज 3। और जो अनलॉक फेज 3 है वो 31 अगस्त 2020 को खत्म हो रहा है और उसके बाद अनलॉक फेज 4 शुरू होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अनलॉक फेज 4 में कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर से रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए जाएंगे और कौन कौन सी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किन किन चीजों से रिस्ट्रिक्शंस हट सकते हैं और किन किन चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस रह सकते हैं अनलॉक फेज 4 में भी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेट्रो की। तो जो मेट्रो है उस पर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो रिस्ट्रिक्शंस है हटाए जा सकते हैं। 22 मार्च से जो मेट्रो है वो बंद है और उम्मीद की जा रही है कि जो अनलॉक फेज 4 की जो गाइडलाइंस आएंगी, जो 1 सितंबर से अनलॉक फेज 4 शुरू होगा, उसमें शायद जो मेट्रो पर से रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटा लिया जाए। उसको लेकर अभी भी जो प्रशासन है वो आपस में बातचीत चल रही है, चाहे वो मेट्रो प्रशासन हो या फिर स्थानीय सरकारें हो, उनके बीच आपस में बातचीत चल रही है और कुछ जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको लेकर बातचीत चल रही है कि किस तरह से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाए और मेट्रो का संचालन शुरू किया जाए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर जो कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग है उसको अपनाया जाएगा, यानी आप जो टोकन है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो कार्ड्स हैं उनके जरिए आप मेट्रो के टिकटिंग कर सकते हैं, यानी कार्ड्स के जरिए आप मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हैं। और भी जो कई रूल्स हैं वो लाए जा सकते हैं मेट्रो में ट्रेवल के लिए। तो इस तरह से जो मेट्रो का संचालन है उसको शुरू किया जा सकता है, ऐसी बातचीत चल रही है। उसके बाद देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको लेकर पिछले 5 महीने से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो बंद ही रहेंगे। अभी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो अभी नहीं खोले जाएंगे, लेकिन जो सरकार है वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IIT है या IIMs हैं या इसके समक्ष और इसके जैसे और भी जो इंस्टीट्यूट हैं उनको खोला जा सकता है, उनकी रीओपनिंग की जा सकती है। लेकिन अभी जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको बंद करने पर ही विचार किया जाएगा, यानी उनको अभी बंद ही रखा जाएगा। पिछले 5 महीने से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, बहुत सी जगहों पर ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो IIT और IIM जैसे इंस्टीट्यूट हैं उनकी रीओपनिंग की जा सकती है, उनको खोला जा सकता है। फिर हम बात करते हैं सिनेमा हॉल एंड ऑडिटोरियम्स की। तो देखिए, सिनेमा हॉल और जो ऑडिटोरियम है उनको शायद अभी 1 महीने के लिए और बंद रखा जाए, क्योंकि ऐसा सोर्सेस से कहा गया है कि सिनेमा हॉल्स हैं उनको खोलने से कोई फाइनेंशियल लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनको देखते हुए 25-30% की अगर कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल उनको अगर खोला भी जाएगा तो कोई फाइनेंशियल लाभ नहीं होगा, इसलिए उनको बंद रखना ही अभी समझदारी होगी, इसलिए उनको बंद ही रखा जाए जिससे संक्रमण के खतरे को रोका जा सकता है, रोका जाए। तो इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो सिनेमा हॉल है, जो ऑडिटोरियम्स हैं उनको अभी 1 महीने के लिए और बंद रखा जा सकता है, यानी अनलॉक फेज 4 में भी उनसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाई जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उसके बाद देखिए, जो सोशल, पॉलिटिकल और जो स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस होते हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, ऐसे जो फंक्शंस हैं इनको अभी बंद ही रखा जाएगा, रिमेन प्रोहिबिटेड टिल नेक्स्ट मंथ, यानी सितंबर में भी इनके बंद रहने की उम्मीद है। जहां पर लार्ज गैदरिंग्स होती है, जहां पर ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, ऐसे किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी इन पर रिस्ट्रिक्शन अभी जारी रहेगी। उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर अनलॉक 4 की जो गाइडेंस है उसमें से उम्मीद लगाई जा रही है कि अनलॉक जो 4 की गाइडलाइंस आएंगी उनमें उन्हीं एक्टिविटीज को मेंशन किया जाएगा जो प्रोहिबिटेड होंगी, जिन पर प्रतिबंध होगा, बाकी जिन एक्टिविटीज को मेंशन नहीं किया जाएगा यानी वो एक्टिविटीज शुरू की जा सकती हैं। और जो कंटेनमेंट जोन है उनमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और मॉनिटरिंग जारी रहेगी, यानी कि बड़ी चीज क्या है कि आपके जो लार्ज गैदरिंग वाली जो चीजें हैं, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, स्पोर्ट्स, रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो, वो सभी बंद रहेंगे। उसके बाद जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस है उनमें जो एक्टिविटीज जिन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा उन्हीं एक्टिविटीज को मेंशन किया जाएगा, और बाकी सभी जो एक्टिविटीज हैं उनको
रिज्यूम कर दिया जाएगा। उसके बाद जो बार्स है उन पर भी कोई निर्णय आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि सोर्सेज में कहा गया है कि जो बार्स है उन पर से जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा ली जाएंगी, लेकिन सिर्फ टेक अवे होगा उसमें, जो सिर्फ टेक अवे की जो फैसिलिटीज है उसको चालू किया जाएगा। तो ऐसी कई चीजें हैं जो अनलॉक 4 की जब गाइडलाइंस आएंगी तो उनमें देखने को मिलेगी। और जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगी अनलॉक 4 के गाइडलाइंस में वो होगा मेट्रो पर क्या डिसीजन आता है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो मेट्रो सेवाएं हैं उनका संचालन शुरू किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट लेस जो टिकटिंग होती है, यानी आपको टोकन नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ कार्ड का यूज करना होगा। और भी जो कई चीजें हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा कि एक बार में कितने लोग ट्रेवल कर सकते हैं, कितने लोगों को इस मेट्रो स्टेशन में एंट्री मिलेगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मेट्रो का संचालन उसको शुरू किया जा सकता है, क्योंकि 22 मार्च से मेट्रो बंद चल रही है। तो काफी जो फिजिकल नॉर्म्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उनको फॉलो किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जो COVID-19 कोरोना वायरस है उसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आप लोग अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास और अपने आसपास लोगों को और सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्टबुक के साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।